क्या हालचाल है दोस्तों। तो दोस्तों Amazon एंड Flipkart की सेल के ऊपर हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं एंड लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी कैटेगरी को हमने कवर किया है, बट आई थिंक एक कैटेगरी ऐसी है जो कि छूट गई थी, एंड वो है कि अगर आप एक स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो इस सेल में तो कौन सी स्मार्ट वॉच आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, कम से कम बजट यानी कि 2-3 हज़ार में या ज्यादा से ज्यादा 15,000 तक की रेंज में कौन कौन सी जो बेस्ट स्मार्ट वॉचेस हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, माय नेम इज शिवम पटले एंड यू आर वॉचिंग टेक बिलीवर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखें यूजली स्मार्ट वॉच के फीचर्स को, तो उसमें इंक्लूड रहते हैं एक फिटनेस बैंड के कुछ फीचर्स एंड स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स। सो स्मार्ट वॉच लेना एक बेटर डील होगी एज कम्पेयर टू ओनली एक फिटनेस बैंड के। तो शुरुआत करते हैं कि लो बजट में हमारे पास कौन कौन से स्मार्ट वॉचेस हैं जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं इस सेल में, जो कि स्टार्ट होती है 2500 रुपीज से। एंड इसमें दो वॉचेस हमारे पास हैं, नॉइस कलर फिट प्रो 2 एंड सेकेंड है रियलमी फैशन वॉच। तो दोनों में ही लगभग हमें बहुत से सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नॉइस स्मार्ट वॉच के फीचर्स अगर देखें, सो इसमें एक IPS LCD स्क्रीन है जो कि फुल टच कंट्रोल्स के साथ आती है, कंप्लीट हेल्थ ट्रैकिंग हमें इसमें मिलती है, IP68 रेटिंग, कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस, रियल टाइम नोटिफिकेशंस एंड रिमोट म्यूजिक कंट्रोल। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट रियलमीज वॉच, सो इसमें भी हमें 3.5 सेंटीमीटर का लार्ज टच स्क्रीन देखने को मिलती है, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर, इंटेलिजेंट एक्टिविटी ट्रैकर एंड IP68 स्मार्ट नोटिफिकेशंस लाइक SMS, कॉल्स, व्हाट्सएप एंड अदर एप्स के हमें इसमें देखने को मिलते हैं। आप इससे अपनी म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो एंड फोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। एंड दोनों ही वॉच आती हैं 3000 रुपीज के अंडर पे, नॉइस वाले का प्राइस है 25,000 रुपीज एंड रियलमी वाले का प्राइस है 3,000 रुपीज। सो जैसे कि हमने देखा दोनों ही स्मार्ट वॉचेस लगभग सेम टाइप के फीचर्स प्रोवाइड कराती हैं, दोनों से आप अपने फोन्स की म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, दोनों में ही आप व्हाट्सएप के एंड बाकी ऐप के नोटिफिकेशंस देख सकते हो एंड कॉल्स वगैरह आप यहीं से रिजेक्ट कर सकते हो, उठा नहीं सकते। दोनों में ही हमें बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं एंड 9-10 डेज का बैटरी बैकअप दोनों ही स्मार्ट वॉचेस जो है क्लेम कर रही है, एंड दोनों में लगभग सारे एक्टिविटीज ट्रैकर हमें देखने को मिलते हैं, स्लीप मॉनिटर या हार्ट रेट मॉनिटर, बट रियलमी वॉच में ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर कर सकते हैं। आई डोंट नो कि वो कितना एक्यूरेट होगा। सो सीधी बात यह है कि अगर आपका बजट 3000 के अंदर है तो ये दोनों वॉचेस आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगी। अब बात करते हैं कि अगर आप थोड़ी महंगी स्मार्ट वॉचेस लेना चाहते हैं तो फिर हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं। जैसे कि एक स्मार्टफोन में होता है कि IPS LCD डिस्प्ले वाले जो मोबाइल्स होते हैं या फिर AMOLED वाले मोबाइल्स होते हैं, तो उसी तरीके से स्मार्ट वॉचेस में भी होता है। तो ये जो दोनों वॉचेस थी ये IPS LCD डिस्प्ले के साथ आ रही थी, तो उतना मजा आपको इनमें नहीं आएगा जो मजा आपको एक AMOLED डिस्प्ले वाली वॉच देगी, बट उनके प्राइस भी थोड़े महंगे होते हैं। तो इस प्राइस रेंज में हमारे पास तीन वॉचेस हैं जो कि आई थिंक आपको बहुत ही बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कराती हैं एंड देखने में भी बहुत प्रीमियम लगती हैं। सो इस कैटेगरी में जो फर्स्ट वॉच है वो है Honor Watch ES एंड ये भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जो कि आती है 1.64 इंच के AMOLED टच डिस्प्ले के साथ, 95 वर्कआउट मोड्स हैं इसके अंदर, ऑटोमेटिक वर्कआउट रिकॉग्निशन, 12 एनिमेटेड वर्कआउट कोर्सेज हैं इसके अंदर, फास्ट चार्ज है एंड SPO2 स्ट्रेस स्लीप मॉनिटर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में है एंड जो हमें दूसरी स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलती हैं वो थोड़े स्क्वायर शेप के साथ आती हैं एंड टन्स ऑफ वॉच फेसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं एंड प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 7,500 रुपीज में आपको ये वॉच मिल जाएगी, जो कि आई थिंक इस प्राइस रेंज में बेस्ट होगा। अब बात करते हैं दूसरी स्मार्ट वॉच की, तो ये है Mi Watch Revolve जो कि अभी कुछ महीने पहले लॉन्च हुई थी एंड इंडिया में आई थिंक अभी रिसेंटली आई है, जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज। सो ये वॉच भी आती है 1.3 इंच के एक AMOLED डिस्प्ले के साथ, प्रीमियम मेटालिक डायल हमें इसमें देखने को मिलता है। ये वॉच आती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ, बैटरी बैकअप इसका 40 डेज का है एंड 110 वॉच फेसेस हमें इस वॉच में देखने को मिलते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात है। 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेस स्लीप बॉडी एनर्जी लेवल आप इसे इसमें मॉनिटर कर सकते हो एंड 10 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मोड इसमें दिए हुए हैं। इसमें बिल्ट इन GPS आता है एंड आप इसके साथ डिस्टेंस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं एंड एलिवेशन भी आप इसमें मेजर कर सकते हैं विथ बैरोमीटर सेंसर एंड स्मार्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बात करें कुछ स्मार्ट फीचर्स की, जैसे कि ऐप नोटिफिकेशंस, आप इससे म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने फोन कॉल्स मैनेज कर सकते हो एंड 10,000 रुपीज के हिसाब से एक बहुत ही प्रीमियम वॉच लगती है, जिसके फीचर्स भी बहुत बढ़िया हैं। सो 10,000 का बजट अगर आपका है तो इस वॉच को आप कंसिडर कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्ट वॉच की, जो कि ओप्पो वॉच एंड इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है 41mm वाला एंड दूसरा आता है 46mm डायल वाला। सो अभी हम बात करने वाले हैं 41mm की एंड इसका प्राइस है 13,000 रुपीज एंड इसके अगर फीचर्स की बात करें तो ये लगभग सारी वॉच में मुझे बेस्ट लग रही है, क्योंकि एकदम से इसे देखने पर इसे लगता है कि जैसे ये एप्पल वॉच होगी एंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है।
इसमें आता है 1.6 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले। एंड सबसे खास बात इस स्मार्ट वॉच की ये है कि इस स्मार्ट वॉच में आते हैं दो टाइप के प्रोसेसर, एक है Qualcomm Snapdragon Wear 3100 एंड दूसरा है Ambic Micro Apollo 3 वायरलेस SoC प्रोसेसर। बहुत सारे वर्कआउट मोड्स हैं इसके अंदर एंड 300 मिली एम्पियर की लिथियम पॉलीमर बैटरी है, बिल्ट इन GPS, गूगल असिस्टेंट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, गेट अप रिमाइंडर एंड गाइडेड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। मतलब सही तरीके से सांस कैसे लेना है ये स्मार्ट वॉच आपको बताएगी। एंड इस स्मार्ट वॉच की सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी, एक तो दिखने में बहुत स्टाइलिश है एंड डिस्प्ले बहुत ही प्यारा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलता है। साथ ही इसमें 1GB रैम प्लस 8GB का इसमें इंटरनल है, तो इसमें ऑनलाइन म्यूजिक तो आप सुन ही सकते हो, साथ ही म्यूजिक को इसमें डाउनलोड भी करके रख सकते हो, मान लेते हैं स्पॉटिफाई या किसी और ऐप के थ्रू। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि वर्कआउट करते टाइम अगर आपने वॉच पहनी है एंड आपने TWS लगाए हुए हैं तो इस वॉच के थ्रू ही आप सॉन्ग सुन सकते हैं एंड उन्हें चेंज कर सकते हैं, तो स्मार्टफोन के पास में होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एंड बहुत डिफरेंट तरीके के वॉच फेसेस इसमें दिए गए हैं जो कि आप अपने मूड या स्टाइल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक 13,000 तक अगर आपको एक स्मार्ट वॉच लेनी है बढ़िया सारे फीचर्स के साथ, एक प्रीमियम लुक के साथ, तो ओप्पो की वॉच आई थिंक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके ऊपर भी फिर बहुत सारी वॉचेज आती हैं जैसे सैमसंग गेयर या फिर एप्पल की वॉचेज, जैसे कि एप्पल के भी रिसेंटली वॉचेज लॉन्च हुई हैं, एप्पल वॉच ऐसी जो कि 35,000 तक की रेंज में आ रही है। बट हमने बात करी है एक लो रेंज से लेके एक मिड रेंज तक की, अगर आपको स्मार्ट वॉचेस लेना है सो ये चॉइसेस आप लोगों के पास हैं। तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी वॉच अच्छी लगी एंड नॉर्मली स्मार्ट वॉचेस को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि सारे फीचर्स जो हम स्मार्ट वॉच में करते हैं वो तो हमारे फ़ोन में भी हैं एंड फ़ोन तो हम लोगों से वैसे भी दूर नहीं होता, तो अलग से एक स्मार्ट वॉच लेने की, नया खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यार ये थे इस वाले वीडियो के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जल्दी और देखते हैं किसी और चीज़ पर बात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।